हाय गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी मेकअप में हाइलाइटर कब और कैसे यूज करना चाहिए। पहले आप अपने फेस में जब सारे मेकअप मतलब बेस बना लेंगे, उसके बाद फेस में जब आप वर्क करने लगेंगे तो रूज लगाने के बाद एंड ब्लश लगाने के बाद आप हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं। जब पार्टी लुक आपको क्रिएट करनी होती है तो आपको हाइलाइटर एक बहुत ही अच्छा ग्लोई लुक देता है। मैं आज आपको माइग्लैम के स्टिल्सेट पैलेट के हाइलाइटर को लगाना सिखाऊंगी। एज इफ मैं माइग्लैम का काम करती हूं तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अगर इसको परचेज करना हो तो। मैं आपको हाइलाइटर अप्लाई करना सिखाती हूं। ये माइग्लैम का चिल्सेट पैलेट है और इसको जब हम खोलेंगे तो दिस इज अ ब्लश, दिस इज अ ब्लश, ये आपका कॉन्टोर है और ये आपका हाइलाइटर है। अब इस हाइलाइटर को अप्लाई करना हम सीखेंगे। हाइलाइटर हमारे स्किन को, पहले मैं आपको करके दिखाती हूँ कि हाइलाइटर हमारे स्किन को किस तरह से शाइन करती है। एक स्वॉच करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, स्किन में एक अलग एड ऑन शाइन डाल देती है इसका। जितना एप्लीकेशन माइग्लैम की, ये हाइलाइटर की खासियत है कि आपको मर्ज होने के जितना हल्का हल्का हाइलाइटर देता है, ये आपको अलग से चमक चमक के नहीं आता है कि आप बहुत ज्यादा चमकी लगा रहे हो मुंह पे, ऐसा नहीं लगता है। तो अब हम इसको अपने फेस पे अप्लाई करना सीखेंगे। हाइलाइटर को फ्रेंड्स अपने जो फेस के जो पार्ट आपको हाईलाइट करने हैं उस पार्ट पे लगाइए। जैसे कि ये एरिया, दिस वी एरिया, आई हाईलाइट दिस ऑन माई फेस एज इफ माई फेस इज राउंड। तो मैं इसको खोल लेती हूँ। मैं इसको हैंड से लगाना पसंद करती हूँ, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने हाईलाइट अपने हाथ पे ले लिया है। फ्रेंड्स धीरे धीरे अपनी अच्छी तरह से टाइम देके इसे मर्ज कर देना है अच्छे से, ताकि ये अलग से कुछ भी चमक के चमकता हुआ ना दिखे, आपके स्किन को स्किन ही ग्लो हो रही है कुछ इस तरह का दिखाई दे। बहुत हाईली यूज ऑफ हाइलाइटर आपके फेस को केकी लुक दे देगा और वो बनावटी लुक दिखाई देने लगेगा। तो हल्का हल्का यूज कीजिए, दैट विल मेक यू ग्लो लाइक अ नेचुरल ब्यूटी। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। This will give you an extra, shimmer highlighting your look. और अपने पार्टी लुक को टचअप, लास्ट टचअप देने के लिए हाइलाइटर को जरूर से यूज करना चाहिए। टू मी इट्स अ मस्ट फॉर माई मेकअप एंड आई जस्ट लव टू मेक माई नोजी ग्लो। यो पीपल कैन ऑल्सो यूज आउट हियर। मैं थोड़ा सा हाईलाइटर यहां भी यूज करती हूँ। फ्रेंड्स हर फेस की अपनी लुक होती है, अपनी चार्म होती है, अपना एक वो करने का एक तरीका होता है दिखने का। तो आप भी अपने फेस के शेप के हिसाब से इस हाइलाइटर को इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं एंड इट विल मेक यू फील मोर सी द लाइटर ग्लो दिस हाइलाइटर हैज एडेड ऑन माय फेस इज रियली डिफरेंट। तो मैं आप लोगों को ये हाइलाइटर के ये सिंपल सोबर यूजेस के बारे में ही बता देना चाहती थी। मेकअप जितना मर्ज हो जाता है उतना ही ज्यादा वो नेचुरल लगता है और प्रॉपर लगता है। तो इसी तरह से अगर आपको भी ये हाइलाइटर पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी बाइंग लिंक दे दूंगी, आप इसको परचेज कर सकते हैं। परचेज इसका, इसकी प्राइस है 1299 रुपीज और मैं आपको वहां कूपन कोड भी प्रोवाइड कर दूंगी। देन यू विल गेट अ लिटिल डिस्काउंट फॉर माई यूनिक कूपन कोड। सो थैंक्स अ लॉट एंड कीप वॉचिंग। बाय।